ज़्यादा कहाँ है? नमस्कार जोहार। जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं कि ग्राम दादर सिहुणी में पिछले दो दिनों से बिजली का खंभा टूट जाने से गांव में लाइट नहीं जल रही थी, गांव में अंधेरा छाया हुआ था, जिससे गांव के लोग काफ़ी परेशान थे और पढ़ने वाले बच्चे भी परेशान थे, उनकी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा था। उसका मैंने एक इशू वीडियो बनाया था और इस समस्या में बदलाव लाने के लिए मैंने और समुदाय ने मिलकर क्या कुछ किया, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। भैया, आपके यहाँ जो लाइट की समस्या थी, खंभा टूट गया था, तो वो खंभा बन गया? जी सर, वो खंभा जो टूट गया था बन गया है। अभी विभाग वाले आए थे और गांव वालों ने मिलकर उसे जो खंभा को बना के गए। इसके लिए आपने कौन सा प्रयास किया था तब जाकर के आपका काम जो हुआ है? हम लोग ग्रामवासियों और मुख्य निरंजन सिंह इटिया जी के साथ पे वीडियो बनाकर पंचायत वालों को हमने सूचना दी थी और पंचायत वालों ने विभाग को, विद्युत विभाग को सूचना दिए और विद्युत विभाग वालों ने इसको गंभीरता से लेते हुए समस्या को, उन्होंने आज विभाग वालों की टीम आई थी और उन्होंने इस काम को बना, मतलब लाइट खंभा को बनाकर चले गए। तो लाइट चालू हो गई? हाँ, लाइट आज से चालू हो गई है। क्या कहना चाहेंगे आप पे विद्युत विभाग वालों को और पंचायत वालों को? विद्युत विभाग वालों और पंचायत वालों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे तमाम ये समस्त ग्रामवासियों की ओर से, जिन्होंने ग्रामवासियों और जो शैक्षणिक जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके जो पढ़ाई में बाधाएं आ रही थी, तो उनके जो बाधाएं दूर हुई है, तो हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए हमारी इस समस्या का समाधान किया। बेटा, किसने क्या किया था ये लाइट जब आपका ख़राब था लाइट बनवाने के लिए? एक वीडियो बनाने वाले आए थे, उन्होंने वीडियो बना के ले गए, एक दो दिन के बाद हमारी लाइट बन गई। हमारे माँ साहब जो बंद किया करते थे वो हम करके जाते हैं, रात में लाइट रहती है तो पूरा गांव में लाइट चालू हो गया है। हाँ, पूरा गांव में लाइट चालू हो गया। बहुत खुश है कि लाइट हमारा बन गया है। लाइट बनाने वालों को धन्यवाद देते हैं। मैडम जी, आपके यहाँ जो बिजली का खम्भा टूट गया था, तो उसकी जानकारी आपको कैसे लगी थी? गांव के लोग मेरे पास आए थे कि बिजली का खम्भा टूट गया, वीडियो के माध्यम से लगी कि मेरे बिजली का खम्भा टूट गया। आपने क्या किया? विद्युत विभाग वाले, तो फिर विद्युत विभाग वाले आपको क्या बोले? आश्वासन दिया, हम कल आ रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे विद्युत विभाग वालों को? विद्युत विभाग वालों का धन्यवाद देने चाहते हैं कि हमारे यहाँ की खंभा टूट गई थी, तो उसको सुधार के चले गए। इस प्रकार से इस समस्या में बदलाव लाने के लिए मैंने संघर्ष किया और जिस तरह से यहाँ के समुदाय और सरपंच महोदय का सहयोग मिला, उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। मध्य प्रदेश के जिला कटनी विकास खंड धीमा से मैं निरंजन उटिया, इंडिया अनहट के लिए।